राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो ना विशेष है, और इसलिए विशेष है कि अब से बहुत सारे त्यौहार आने वाली है। हर रोज़ कुछ ना कुछ स्पेशल दिन होती है और बहुत सारे त्यौहार के हमारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। इसमें से जो सबसे बड़ी सबसे प्यारी त्यौहार होते हैं, जो कृष्ण भक्त जिनकी इंतज़ार करते हैं, वो है हमारी जन्माष्टमी। जी हाँ, सावन के महीने के बाद जो सबसे बड़ा और सबसे प्यारा सा त्यौहार आएगा वो है जन्माष्टमी के त्यौहार, और हम सभी लोग पूरे साल भर इस दिन के इंतज़ार में रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस दिन हम अपने गोपाल जी को कैसे उनकी सेवा करें। गोपाल जी को इतना हम प्यार करते हैं और इतना उनको सेवा देना चाहते हैं कि कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। आज की वीडियो इसी के ऊपर बेस करके है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो रक्षाबंधन है, चाहे वो सावन का सोमवार क्यों ना है, और चाहे वो बहुत प्यारा सा, वो बहुत खास कान्हा जी के बर्थडे यानी कि जन्माष्टमी क्यों ना हो, सुबह से हम कान्हा जी की सेवा शुरू करते हैं। सबसे पहले लाडले को उठाया जाता है नींद से, तो तीन ताली बजाकर या घंटी बजाकर या प्यारा सा एक गाना गा के कान्हा उठ जा बेटा, ऐसे करके कान्हा जी को उठाना चाहिए। कान्हा जी को प्यार से उठाए, और उठाने के बाद सबसे पहले तुलसी जल युक्त थोड़ी सी जो जल है कान्हा जी को सामने ले, इसे कान्हा जी को थोड़ी सी जल पिलाए, और फिर कान्हा जी को अपने बिस्तर में बैठा दे। इसके बाद कान्हा जी को जो है माखन और मिश्री की भोग लगाया जाता है। कई जगह पे दूध की भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो माखन मिश्री की भोग लगा दीजिए। इस समय माखन बनाया जाता है। अगर घर पर माखन कैसे बनाता है वो आपको देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप माखन बनाकर भी रख सकते हैं घर में, एक दो दिन तक माखन दे सकते हैं। फिर कान्हा जी का स्नान का समय आता है। स्नान में जिस दिन भी त्यौहार होती है, जन्माष्टमी होती है, कोई भी बड़ी त्यौहार होती है ना, उस दिन स्नान होता है कुछ खास। स्नान में आप चंदन घोल के चंदन का स्नान करवा सकते हैं, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के स्नान करवा सकते हैं, और सबसे जो जरूरत है, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो है पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान कैसे कराएंगे? थोड़ी सी दूध लेंगे, थोड़ी सी दही लेंगे, शहद लेंगे, और थोड़ी सी जो है पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर और घी इत्यादि डाला जाता है। और जो ठाकुर जी के लिए जो पंचामृत बनते हैं उसमें तुलसी के पत्ते पड़ते हैं। इन सब चीज़ों का अलग अलग से भी आप स्नान करवा सकते हैं। अगर आपके कान्हा जी काले पड़ गए हैं तो अभिज्ञान पाउडर आता है, उससे आप साफ़ कर सकते हैं, सिर्फ दही से आप साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कान्हा जी को थोड़ा चमका लीजिए इस दिन। और फिर इसके बाद पंचामृत स्नान के बाद फिर थोड़ी से हल्का सा उनको शुद्ध जल से स्नान करवाए। अब ये जो चरणामृत है ये आप खुद और परिवारजनों के बीच बांट दें, वो प्रसाद स्वरूप इस चीज़ को ग्रहण कर लेंगे। मैं यही रिकमेंड करूंगी कि पंचामृत आप थोड़ी सी बनाएं ताकि वो आपको कहीं फेंकना ना पड़े, पूरा पंचामृत ग्रहण कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो ये ग्रहण करने में दिक्कत आएगी, इस समय आपको किसी न किसी पेड़ के नीचे ये डालनी पड़ेगी। स्नान के बाद उनको बढ़िया सा पोशाक पहनाएं और श्रृंगार करें। श्रृंगार में देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी श्रृंगार लेके आए, लेकिन अगर आपके शौक है और सामर्थ्य है तो आप ला सकते हैं। जिनकी शौक है पर सामर्थ्य नहीं है वो दुखी ना हो। कान्हा जी के जो चूड़ी कंगन 10 रुपये से मिलना शुरू हो जाता है, उनकी जो माला है 10 रुपये से मिलना शुरू हो जाता है, वो भी अगर नहीं है और आप कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको फूल अवेलेबल है, घर में छत पे या आंगन में फूल आया है, तो आप फूलों का श्रृंगार कर दे, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इसी तरह से कान्हा जी को सजाए और फिर उनको फल का भोग लगाए। ये जो हम करते हैं ना ब्रेकफास्ट, तो वही हो जाता है जो सुबह सुबह सबसे पहले, तो उनका सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लग गया और इसके बाद फल का भोग लग गया।
फल के साथ साथ आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, घर पे नारियल के लड्डू बना सकते हैं या तो फिर मेवे के लड्डू बना सकते हैं जो आपको आता है, बेसन के लड्डू बना सकते हैं और या तो फिर खरीद के भी ला सकते हैं। लेकिन ख़रीदने के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दें कि बिल्कुल सात्विक दुकान है जहाँ पे नॉनवेज भी बनते हैं, ऐसी जगह से कोई भी प्रकार का भोग ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल सात्विक दुकान से आपको भोग लाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद फिर कान्हा जी को आप चाहे तो स्पेशल मौका पे आपको थोड़ी सी झूला झूला सकते हैं। इसके बाद दोपहर का तैयारी कर ले। दोपहर का तैयारी में आपके घर में सात्विक तरीके से जो बन रहा है, चाहे वो दाल भात सब्जी बन रहा है या पूरी बन रहा है, खीर बन रहा है, सब्जी बन रहा है, किसी भी तरह का जो भी सब्जी बन रहा है, उन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने में ध्यान रखें कि आपको तुलसी के पत्ते जरूर देनी चाहिए। तुलसी के पत्ते के बिना भोग अधूरी माना जाता है और ठाकुर जी इस भोग को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं इसीलिए। और अगर तुलसी नहीं है बिल्कुल तो क्या करें, तो इस समय आप तुलसी की माला जो है ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है, यानी कि पूजा शॉप में भी मिल जाती है, वो ज़रूर लेके रखें। और भोग जब लगाएंगे तो एक कटोरे में तुलसी की माला भी रख दें। इससे भोग में तुलसी है ऐसी माना जाता है, तो इसी तरह से आप भोग लगा दें। फिर दोपहर को बहुत लोग कान्हा जी को सुलाते हैं। अगर आपने कान्हा जी को सुलाने की आदत दिलाया है तो सुला दे, नहीं तो जगे रहते हैं तो जगे रहने दे। फिर शाम को आप थोड़ा सा भोग लगाए, दूध का हो, चाहे फल का हो, चाहे कुछ पकवान बनाए उसका हो, क्योंकि त्यौहार का दिन है तो कुछ ना कुछ तो घर पर बनता रहता है, तो उन चीज़ों का भोग लगाए। और फिर संध्या आरती जरूर करें। कान्हा जी घर पर है तो भोग लगाने के साथ साथ सुबह और शाम का पूजा जरूर करना चाहिए। धूप दीप दिया दिखाए, साथ में पुष्प चढ़ाए और जो पंचोपचार पूजा होता है, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और गंध यानी कि इत्र वगैरह, ये सुबेरे चढ़ाए, इस तरह से पूजा करें। और शाम को कम से कम आरती करें, कपूर की आरती करें, अगर धूप धुनी दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, धूप धुनी जरूर दिखाए। इसी तरह से शाम के पूजा के बाद रात को उनकी उनको जो है भोग लगा के फिर शयन दिलाना होता है। रात का भी भोग अपने घर पर जो बना रहे मिठाई लड्डू वगैरह भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि त्यौहार के समय क्या होता है ना कि घर में खाना पीना अच्छा रहता है, बच्चों को खाना बहुत पसंद आता है। जब अच्छे अच्छे खाना बनता है ना तो बच्चों को बस वही ध्यान रहता है कि भाई मम्मी कब क्या अच्छा अच्छा खाना मेरे लिए ला रही है, और सच्चे में दिल से खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि इसी तरह से कान्हा जी को खुश करने के लिए, और रात को समय पर सुलाना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, जन्माष्टमी का अगर त्यौहार है तो कान्हा जी को मैं क्या करती हूँ, शाम को 7 बजे उनको भोग लगाने के बाद उनको खीरे में फूलों में सुला देती हूँ, और फिर जो है उनको उठाती हूँ बिल्कुल 12 बजे उनकी जन्म करवाती हूँ, और उसके बाद कान्हा जी का बढ़िया पंचामृत स्नान करके, नया वस्त्र धारण करके, षोड़ोपचार या पंचोपचार पूजा करके उनकी फिर उनका जो है जन्माष्टमी मनाती हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह से किसी भी त्यौहार में कान्हा जी का पूरे दिन की दिनचर्या आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मिलते हैं एक नया और बढ़िया सा वीडियो लेकर। आपका कोई भी रिक्वेस्ट रहेगा जरूर बताना कमेंट करके, कोशिश करूँगी पूरा करने के लिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।